बेटा एडी एंड ईएस के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, या मतलब हमें क्या क्या फॉर्मूलेस करने होते हैं, पहले मैं आप लोग को वो समझा देता हूँ। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया बेटा, तो सबसे पहले हमने चैप्टर के अंदर एडी और एएस पढ़ा, ठीक है। अगर आप लोगों को नोटिस हो तो एडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, और एएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। याद है सब बच्चों को ये चीज? सी स्टैंड फॉर आपका कंजम्पशन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट विच इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, देन एएस के अंदर बेटा सी अगेन स्टैंड फॉर कंजम्पशन एंड एस स्टैंड फॉर सेविंग्स, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना होगा कि वाई यानी इनकम का भी फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस एस यानी इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसी चीज के ऊपर अगर हम ए एस और वाई को ध्यान से देखें तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि ए एस इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, फिर उसके बाद बेटा ये तो हो गए हमारे सबसे कॉमन फॉर्मूले। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा एपीसी और एपीएस का। अगर नोटिस करें तो एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन में इनकम, और एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन में इनकम। याद आ गया सब बच्चों को? एवरीवन क्लियर? सिमिलरली अगर हम यहां से एमपीसी और एमपीएस भी निकालना चाहें, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, एंड सिमिलरली एमपीएस विल बी चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। क्लियर एवरीवन? अच्छा एक सेकेंड रुकेंगे आप लोग बेटा जरा। फिलहाल अब आते हैं बेटा जरा बचे हुए फॉर्मूले पे। अब देखो हमने एमपीसी और एमपीएस तक का फॉर्मूला पढ़ा, यहां से एक और कंक्लूजन है जो आपको समझना होगा बेटा, ठीक है। और वो कंक्लूजन ये कि एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है, एंड सिमिलरली एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू वन। अगर बाय चांस हमें ये समझना हो कि ये वन के इक्वल क्यों आ रहा है तो ये भी आप लोग ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, और एमपीसी एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। सी प्लस एस बेसिकली सी प्लस एस किसका फॉर्मूला होता है? वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सी प्लस एस की जगह मैं वाई लिख सकता हूं, अपॉन वाई लिख सकता हूं, सो दिस इज वाई, ये हमारा वन हो जाता है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अगर इनकम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे जरा, अगर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है, सो डेफिनेटली चेंज इन इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग होगा। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, तो एमपीसी का फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस दिस विल बिकम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई व्हिच इज अगेन इक्वल टू वन। समझ गए सारे बच्चे यहां तक? सारे ओके। इसके बाद आता है बेटा हमारा सारा कंजम्पशन का फंक्शन, तो जरा कंजम्पशन फंक्शन पे ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन फंक्शन जो होता है बेटा हमारा, उसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। और यहां पर समझने लायक चीज ये है कि सी बार हमारी कैसी कंजम्पशन होगी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी पॉजिटिव रहेगी। और दूसरी चीज बी क्या डिनोट करता है? बी डिनोट करता है एमपीसी को, ठीक है, और वाई स्टैंड फॉर इनकम बिकॉज एमपीसी इज यानी एडिशनल कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। अब ध्यान से समझना, अगर कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई है तो सेविंग फंक्शन हम बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं इसकी हेल्प से, और बेटा सेविंग फंक्शन हमारा हो जाएगा एस इज इक्वल टू। अब आप खुद बताओ, अगर हमारी इनकम जीरो है और
और हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 30 है, तो बेटा हमारा सेविंग कितना आएगा, -30। तो बेसिकली -30 को बेटा हम डिनोट करेंगे किस फॉर्म में, ध्यान से सुनेंगे जरा सारे बच्चे बेटा, -30 को हम डिनोट करेंगे -C बार से। ये पॉइंट सब बच्चे समझे, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं बेटा। और बी का मतलब होता है बेटा एमपीसी। अब जरा यहां से ध्यान से समझना बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, तो वो भी जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, क्या हमने ये डिस्कस किया अभी अभी? ओके, तो क्या यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, बोल सकते हैं? एंड सिमिलरली क्या मैं एमपीसी को भी ऐसा बोल सकता हूं 1 माइनस एमपीएस? ओके, अब जरा ध्यान से देखना, मैं चाहूं तो एमपीएस को 1 माइनस एमपीसी से डिनोट कर सकता हूं। सो दैट मींस बेटा यहां पर बी का मतलब होता था एमपीसी, तो अगर मुझे एमपीएस लिखना है तो 1 माइनस एमपीसी, यानी बेटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी का मतलब 1 माइनस बी वाई, और ये मेरा क्या बन जाएगा, सेविंग फंक्शन, यानी -C बार इज सेविंग, यानी नेगेटिव सेविंग को हम बेटा डिस सेविंग बोलते हैं। 1 माइनस बी इज बेसिकली व्हाट, एमपीएस, और वाई का मतलब तो इनकम होता है। क्या सारे बच्चे यहां तक समझ गए? अरे ओके, सो बेटा हमने ले लिया करके अभी तक ये सारे फॉर्मूले समझ लिए। इसके अलावा बेटा अब आता है जरा इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम के पहली चीज तो दो अप्रोच है, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले एक एक करके पहले अप्रोचेस समझते हैं। तो पहला अप्रोच होता है बेटा, एडी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, AD इज इक्वल टू AS। इसी चीज को थोड़ा सा अगर हम डिराइव करें, तो AD की जगह अगर मैं AD का फॉर्मूला लिख लूं, दैट इज C+I, और AS की जगह पे मैं AS का फॉर्मूला दैट इज C+S लिख दूं, तो क्या आपको यहां से दिख रहा है कि C और C कैंसिल हो जा रहे हैं? यानी बेटा इक्विलिब्रियम का दूसरा अप्रोच निकल के आएगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। सब बच्चे समझ गए? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से समझेंगे हम। थोड़ी देर पहले एक चीज समझ चुके हैं कि AS इज, हर्षित माइक ऑफ करो, हमने थोड़ी देर पहले समझा बेटा कि AS इज इक्वल टू C+S एंड Y इज ऑल्सो इक्वल टू C+S, तो इसका मतलब ये बेटा कि हम AS की जगह पे Y लिख सकते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, और इनकम का फॉर्मूला भी कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, तो क्या मैं AS इज इक्वल टू इनकम बोल सकता हूं? तो इसका मतलब ये बेटा, एक तीसरा अप्रोच, बेसिकली तीसरा डेरिवेशन और निकल के आएगा कि AD इज इक्वल टू, अगर इक्विलिब्रियम हमें देखना है तो AD इज इक्वल टू बेटा AS की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बाय। और यहीं से एक और चौथी डेरिवेशन निकलेगी बेटा, एडी की जगह पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया दैट इज C+I, और ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, वाई के। क्या सारे बच्चों को ये डेरिवेशन से यहां तक समझ में आ गई इक्विलिब्रियम अप्रोच की? ओके, लास्ट फॉर्मूला हमें समझना है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, इसे। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बेटा जो पहला फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये होता है पहला फॉर्मूला। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और बेटा एक बात बताओ, 1 माइनस एमपीसी इज ऑल्सो इक्वल टू,
वन माइनस एमपीसी इज ऑल्सो इक्वल टू एमपीएस. सो बेटा इसका एक तीसरा फॉर्मूला आ जाता है के इज इक्वल टू वन अपॉन में एमपीएस. बट द पॉइंट इज कि ये 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी एंड 1 अपॉन एमपीएस ये आया कैसे. तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन और है, जरा वो ध्यान से समझेंगे बेटा. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम की एक अप्रोच और हो सकती है बेटा, और वो अप्रोच है y इज इक्वल टू सी प्लस आई. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अभी हमने समझा कि इक्विलिब्रियम मतलब AD is equal to AS. AS की जगह पे हमने y लिख दिया और AD की जगह हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया. तो यानी इक्विलिब्रियम का चौथा पॉइंट निकल के आता है कि y is equal to C plus I. अब इसी चीज को जरा फोकस करके ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए फोकस करके सुनना जरा सारे बच्चों. देखो अगर y is equal to C plus I है तो डेफिनेटली Change in y will be equal to change in c plus change in i. Clear? अरे बच्चे? Next. और एक important part, जरा ध्यान से सुनेंगे आप. बेटा देखो, हमारी consumption, हमारी savings और हमारी investment, यानी induced investment, जो कि income पे dependent होती है, तो वो हमारे change in income पे dependent होती है. So, कितनी डिपेंडेंट है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोनों साइड्स को यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे चेंज इन इनकम से. सो बेटा अगर हम दोनों साइड को डिवाइड बोथ साइड बाय चेंज इन वाई अगर करते हैं बेटा, सो देन फॉर्मूला विल बिकम, बहुत ही सिंपली फॉर्मूला जो बनेगा बेटा हमारा वो ये बनेगा कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई. सिमिलरली चेंज इन सी को भी हम चेंज इन वाई से डिवाइड करेंगे और चेंज इन आई को भी हम चेंज इन वाई से डिवाइड करेंगे. एक एक करके जरा आप लोग समझना, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई ये कैंसिल होकर के वन हो गया इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई ये किसका फॉर्मूला होता है? MPC, right? So, बेटा हम चाहें तो यहाँ पर अब change in क्या नाम है? Change in C upon change in Y की जगह पे मैं क्या mention कर दूँगा? MPC. और अब एक चीज़ और, investment multiplier का formula is K is equal to change in Y upon change in Y. Change in Y is K is equal to change in Y upon change in I. But अगर suppose करो मुझे 1 upon K पता करना हो तो ये formula reverse होकर के change in I upon change in Y बन जाएगा. यानी कहने का मतलब ये है कि चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई विल बिकम 1 अपॉन के. और बेटा अगर हम इस इक्वेशन में इक्वल टू के इस साइड लेकर के जाएं तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 1 प्लस एमपीसी, नीचे आकर के बन जाएगा बेटा 1 माइनस एमपीसी, एंड ऑफ कोर्स 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस होता है. तो ये तीसरा फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एमपीएस. क्या सारे बच्चों को ये पूरी डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई? बेटा इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई भी फॉर्मूलेस नहीं है. अब क्लियर है सब बच्चों को सारे फॉर्मूलेस?